हार्दिक इच्छा है आपका, आपके ऊपर, कि प्रिपेयर फॉर द शनि महादशा। अभी तो गुरु का चल रहा है ना, तो गुरु का महादशा जब चलता है और इस समय आदमी हल्का हो जाता है। चलो शनि का साढ़े साथ ही रहा मकर राशि में, आप मतलब किस्मत वाले हो कि शनि आपको आगाह कर दिया, जो जो फिल्म दिखाना चाहिए था फिल्म दिखा दिया, टेलर दिखाना था टेलर दिखा दिया, रील दिखाना था रील दिखा दिया, शॉर्ट दिखाना था शॉर्ट दिखा दिया, सब देख लिए, सीख गए, समझ गए, समझ रहा हूँ लग्न में राहु राहु शुक्र भरगोत्तमी शुक्र, समझ रहा हूँ चंद्रमा में मकर चंद्रमा में बुध है, ये सारे कम्बिनेशन को अगर बड़े ज़ोर से हम लोग एस्टैब्लिश करके डिकोड करते हैं तो नेचुरल कंडीशन है, ये थोड़ा समस्याप्रद रहेगा, इसमें मना नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। और जन्म ही साढ़े साथी का है, भरगोत्तमी शनि है तो अच्छा फल करेगा, तो भरगोत्तमी होने के कारण पुष्कर नवांश जैसे कंडीशन को देखते हुए मैं कहूँगा कि हाँ ये जरूर आध्यात्मिक विकास देगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ग्रोथ देगा, और आप ऑलरेडी माता रानी की शरण में हो। लेकिन जहाँ गुरु बृहस्पति का शुक्र महा अंतर्दशा, ये बड़ा मतलब पिकुलियर पीरियड रहता है और इसका समाप्त होने जा रहा है 2025-11, ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो गुरु में शुक्र का अंतर्दशा और दोनों षडाष्टक, तो अलॉट अबाउट योर हस्बैंड, ठीक है, एंड मस्ट वेरी वेरी अलॉट, ये कंडीशन पार हो जाए तो समझना कि बहुत बड़ा चीज पार हो। तो तब तक तो आपको अपनी जो भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको बढ़िया से करते रहना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आप बैलेंस करना सीख गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत नहीं, ठीक है। अलर्ट रिक्वायर्स एवरीथिंग, देखो ये अभी इसका प्रवचन करने लगूँ तो बड़ा लंबा, सिंपल सा बात है, चंद्रमा से गुरु बकरी अवस्था में छठा में और शुक्र से गुरु छठा में, शुक्र भरगोत्तमी गुरु उच्चाभिलाषी, ओके, ऐसी कंडीशन, यू आर सो लक्की कि, और आपका जन्म जल्दी हो, अगर थोड़ा देर में जन्म होता मतलब और 3-4 महीना में तो लग्न में ही श्रापित लग गया होता, तो नहीं लगा। तो ऐसे कंडीशन में मैं इसके ऊपर आज ही शायद एक वीडियो, अभी शाम को शायद या एक दो वीडियो दे चुका हूँ, ये जो 90 का जितने बच्चे जन्म हुए हैं इनका हुआ क्या है, राहु और शनि क्लोज कंजक्शन में है और इट इज़ इक्वल लाइक दैट श्रापित, ठीक है। हालांकि अभी आपकी कुंडली में शनि राहु एक घर में नहीं बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं, लेकिन मतलब समझ लो कि दोनों का नक्षत्र को निकालोगे तो सम नक्षत्र ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग घर में बैठे हैं, एक का एक धनु में बैठा है, एक मकर में बैठा है, राहु मकर में और शनि धनु धनु में। ऐसे कंडीशन में ये इसको अगर आप देखोगे, और देखिए आपका शुक्र उत्तराषाढ़ा शनि उत्तराषाढ़ा, और ये कहीं ना कहीं मतलब डिग्री वाइज 27-21 मतलब 6 डिग्री का डिफरेंस मात्र शनि से राहु, तो लग्न राशि से तो श्रापित नहीं दिख रहा है लेकिन डिग्री वाइज अगर देखोगे तो 7 डिग्री का डिफरेंस ये एग्जैक्टली ऐसा ही फल कर देता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को वो नेचुरल बात है, थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, ओके। आप बोलोगे कि किस बारे में, देखो सबसे पहला देखो रोग रिपूर्ण छठा स्थान, अब इसमें गुरु क्या करता है, नहीं कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। हाँ एक पॉजिटिव है कि इसके ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि होने के कारण दो पाप ग्रह जब एक साथ देख लेते हैं तो पापी बन गया, ठीक है, ये संभाल लेगा इस कंडीशन पे। यानी जैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, मतलब फटाके से आपके शरीर में आग लगी और बर्न यार्ड में पड़ना पड़ा, और बर्न यार्ड का कष्ट क्या है जो जा गया है वही जानता है, ठीक है ना, वो कष्ट क्या होता है वो वही जानते हैं, मतलब रगड़ रगड़ के घावों को फिर से दवाई दो, फिर बांधो, फिर बैंडेज करो, फिर वो जलन
और वो जो भय, वो जो मतलब जो हालत रहता है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ, और क्योंकि मैं आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी एंड मेडिसिन मेडिकल लाइन पे काम किया हूँ, तो कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ उसका कष्ट क्या होता है। तो वो एक सदमा है, बड़ा सदमा है, ये फिजिकल सदमा जिसको बोलते हैं, फिजिकल ट्रॉमा भी कह सकते हैं। तो ये कंडीशन अभी गुरु पति का कारक है, तो उसमें पाप ग्रहों का दृष्टि है, और उसी का भी अभी महादशा के साथ शुक्र का अंतरदशा, जो शुक्र शनि और राहु के अंदर फंसा हुआ है, बीच में, मतलब राहु और शनि को देखो उसके बीच में पाप कर्तरी में फंसा है, हालांकि राशि लग्न में नहीं फंसा है, नक्षत्र वाइज में फंसा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे मैं क्या बोला कि आपको 2025 नवंबर तक अलॉट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यू नो अबाउट गुरु के जितने कारकत्व हैं, हेल्थ वाइज एंड इकोनॉमिकली और सोशली। अच्छा, ऊपर से देखो, अगर इसको हम लोग फलित करते हैं कि राहु एंड शुक्र अगर इनको अगर फलित करते हैं, तो ये करता क्या है, अंदर बड़े सारे कामना वासनाओं को भरता है, और बड़े सारे आपके अंदर इतने अट्रैक्शन को भर देगा, इतना सेक्सुअल अर्ग को भर देगा या आकर्षण को भर देगा, कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ तो नहीं देखने वाला भी, आप अगर कपड़ा ढाक के भी खड़े रहो, आपके अंदर इतना ऊर्जा रहेगा कि मतलब सोचो कि बुर्का भी पहन लिए मुसलमान वालों, काला काला बुर्का भी पहन के खड़े हो जाओ, तो 5 मिनट के लिए आदमी आपको देखते ही उसका तो फट जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ उसका झोल निकल जाएगा, एकदम असह्य हो जाता है वो आपका चेहरा से नहीं, आपका ऊर्जा से, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, नो एनर्जी। तो वो जो सुपर एनर्जी आपके अंदर है, वो एनर्जी अल्टरनेटली किसके ऊपर हावी होगा, हस्बैंड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो सप्तम स्थान है, तो स्पाउस है, लग्न भी हुई है, राशि भी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में यू मस्ट टेल आउट अबाउट दिस, और ये ज़्यादा समय नहीं है, पार हो जाने वाला है, और एक साल समझ लो ले देखे, तो ये एक साल आपको बड़े ऑल डायमेंशन थोड़ा सा जो भी माता रानी का पूजा पाठ करके, और इतना मैं कहूँगा कि आपके ज़िंदगी में कहीं भी रहो अगर मौका मिल जाए 11 रुद्राभिषेक करके इसका तो शांति जरूर करा लेना चाहिए। प्रैक्टिकली कोई भी ज्योतिष देख के नहीं बोलेगा कि ये है बोल के, लेकिन जब आप लगमांस में जाओगे और इसका डिग्री को देखोगे और इसको बढ़िया से एनालिसिस करके थोड़ा सा अंदर घुसने का प्रयास करोगे, तो आपको देखने में आएगा कि कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लमेबल जोन में है, और शनि के महादशा में जब ये सुपर एक्टिव हो जाएगा तो समस्याप्रद हो सकता है। तो इसमें मेरा दो रेमेडी है, एक नंबर रेमेडी ये है कि अगर पॉसिबल है या तो हनुमान कवच या तो माँ काली का कवच, तो विधिवत उपाय में उसको सिद्ध करके उसको धारण, खरीद के नहीं, कोई ऑनलाइन से खरीद के वो काम का नहीं होगा, सिद्ध कवच उसके अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए शनि राहु जनित, ताकि आपके अंदर का जो हैवी मास होता है ना शनि राहु वाला, वो मास को वो हैवी करंट को ये क्या करे, ऑब्जर्व कर सके। ये इनके अंदर में क्या होता है ना, बहुत हैवी करंट रहता है, ठीक है ना। अच्छा हुआ कि आप जल्दी शादी कर लिए, नहीं किए होते तो ये बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता था। तो इस इन जितने देखो क्या है कि आपके लग्न राशि के आसपास सारे ग्रह बैठे हुए हैं, मंडरा रहे हैं, ऐसे आदमी की ज़िंदगी क्या रहेगा, मतलब डिस्टर्ब सी में एक भयंकर उथल पुथल वाला समंदर में एक जहाज, ठीक है, आपका ज़िंदगी को क्या कहा जाएगा, आपका ज़िंदगी को यही कहा जाएगा कि सोचो कि एक बड़ा साइक्लोनिक समंदर है, ओशन है, और उसमें एक बड़ा सा कार्गो शिप लेके जा रहे हो, नेट में देखना कैसे होते हैं वो शिप, ठीक है, इन साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग सी इन सी और ओशन ए शिप अनबैलेंस्ड, और वो ये एकदम उठेगा और गिरेगा, एकदम उठेगा और गिरेगा, उठा पटक ज़िंदगी में। तो ऐसे को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए हैवी लोड, ठीक है, तो वो लोड आपको देना है ज़िंदगी में, वो लोड लेने के लिए कैपेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। और साथ में जो सेफ्टी के लिए, जैसे हम लोग इलेक्ट्री में एक स्विच लगाते हैं ना, एनर्जी कुछ लगाते हैं, जैसे हैवी करंट आए तो वो ट्रिप हो जाएगा, है ना। तो आपको किसी को चाहिए नहीं चाहिए, आपको ज़रूर एक कवच का आवश्यकता है, पर्टिकुलरली अगर संभाल सको तो माँ दुर्गा काली का ले लो, नहीं तो फिर हनुमान का ले लो, ठीक है, और पीरियड के टाइम में निकाल के रख दो, बाकी टाइम में पहन लो, ठीक है।
तो ये 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 मेरा प्रिस्क्रिप्शन रहेगा। दूसरा तो ऑलरेडी आप माता रानी का स्तोत्र पढ़ रहे हो, मैं इसमें कहूँगा कि कवच का पाठ जरूर है, कवच धारण भी करना, दुर्गा कवच और दुर्गा का कवच का धारण भी करना, दुर्गा कवच का पाठ भी करना, किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेगी, ठीक है। जो नहीं गुरु नहीं है तो गुरु ढूंढना पड़ेगा ना, जब ढूंढते हो मिल जाता है तो गुरु कैसे नहीं मिलेगा। नहीं मैं यहाँ अध्यात्म गुरु का बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दुर्गा माँ के ऊपर जिसका मास्टरी रहेगा, चंडी पाठ दुर्ग सप्तशती चंडी में जिसका एक्सपर्टाइजेशन हो, ठीक है ना, जो नित्य पाठी हो चंडी पाठ, जैसे मैं जीवन में ऐसा एक दिन भी नहीं है कि मैं जिसमें दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं किया, हर दिन मैं चंडी पाठी हूँ, तो ऐसे आपके आसपास कोई हो तो ऐसे के शरण में जाओ, उससे दीक्षा लो, ये दुर्गा कवच का दीक्षा उससे ले लो। तो फिर यहाँ जो द्वादश का शनि प्रॉब्लम या जो शनि राहु का जो समस्या है उसका पाठ से फिर ये जो हैप्पी उथल पुथल है जिंदगी का, ये जो ऑसम डिस्टर्बेंस सी में जो सीप है उसको बैलेंस कर लेता है, ठीक है। और दूसरा तो बता दिया ऑलरेडी कि आपको जिंदगी में जरूर महारुद्राभिषेक 11 दिन का, या अगर कोई ऐसे पंडित मिल जाए जो अभी जो श्रावण महीना आ रहा है 30 दिन कंटिन्यू आपकी आज्ञा, गुरु की आज्ञा अनुसार, मेरे आज्ञा अनुसार नहीं, वो अगर 30 दिन का रुद्र अभिषेक कर लो सेव हो जाओगे। तीसरा है कि अगर नहीं कर सकते ये सब, आपके पास जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, तो आपको मृत्युंजय नहीं महामृत्युंजय चाहिए, होम जूम सा वाला, ठीक है। तो ये संपुटित माता रानी का संपुटित के साथ, तो फिर ये जो जो भी डिस्टर्बेंस लाइफ है बैलेंस हो जाएगा, इतना ही है मेन चीज आपकी कुंडली में। और एक बात याद रखना, ऐसे लोगों के जिंदगी में ह्यूम उठता, हूम उठता, मतलब सडन राहु का या शनि का एनर्जी बॉडी में आ गया, फिर बेटा ये किसी को सुनने मानने वाले नहीं है, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। मतलब आप लोगों की जिंदगी में जो खतरा है, ग्रह वेग कभी कभार इतना पावरफुल आ जाता है कि जिसको हैंडल कर पाना महिला के लिए, नारी शरीर के लिए, माताओं के शरीर के लिए, फीमेल बॉडी के लिए बहुत कष्टकद होता रहता है। हो गया तो सही हो गया, नहीं सही हुआ तो फिर सब कुछ उखाड़ फुखाड़ के पक जाता है, जिस लाइक साइक्लोनिक स्ट्रॉम। तो उस कंडीशन में बहुत ज़रूरी रहता है आप लोगों के लिए कि अपने लाइफ को जितना ज़्यादा मतलब बैलेंस कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा योग निद्रा ध्यान मेडिटेशन और श्वास प्रश्वास को देखना, स्वर विज्ञान को थोड़ा समझना, ये अगर लाइफ में आप एडॉप्ट करके चल रहे हो तो फिर चिंता का कोई विषय नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या, जिस बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, गीता का पाठ जरूरी है वो तो मैं बता ही दिया, लेकिन अभी देखो कुंडली में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक यही है कि आगे सूर्य पीछे शनि, पाप कर्तरी में चंद्रमा और लग्न, ठीक है। तो ये जो पाप कर्तरी में कोई भी चीज फंसता है तो यहाँ लाइफ में समस्या बिल्डअप होता है, ठीक है। देखो जिंदगी में कभी कभार ऐसे कंडीशन आएगा जहाँ पर भाई आप बोलोगे कि मैं केस कर दूंगा, कोर्ट करके चला जाऊंगा, कोर्ट चली जाऊंगी, नहीं जाना चाहिए, ये लोग उल्टा फंस जाते हैं, इनके नाम पे झूठा केस लग जाता है, इनके नाम पे झूठा अखबार फैलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में बन रहता है। तीसरा ये है कि जो आप कह रहे हो कि मुझे किसी ऑर्फानेज में सेवा करना है, नर्स का सेवा करना है, पक्का ये दिखाई दे रहा है, बड़े संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपका मन उधर जा रहा है। देखो मेरा बहन का भी कुंडली आसपास ऐसे ही है, और सी इज़ द बीएससी नर्सिंग, ओके, आज 30 साल से एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के पूरे नर्सिंग होम, मतलब गवर्नमेंट के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो, सी इज़ द चीफ ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। ये झुकाव तो है, मानता हूँ, लेकिन ये जो कंडीशन है, जो सेवा का भाव आपके मन में आ रहा है कि राष्ट्र सेवा करें, देश का सेवा करें, ये कुंडली का ये कंजक्शन ही है जो आपको करा रहा है, ठीक है ना। ये लग्न में जो दोनों बैठे हैं यहाँ, एक वर्गोत्तमी है और ये एक द्वादशाधिपति बन के बैठा है, सेवा के तरफ खींच रहा है, हॉस्पिटल के तरफ खींच रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल घर आपका बड़ा परमानेंट होके बैठा हुआ है, ठीक है।
तो ये खींचने का, इसका खिंचाव तो आगे चल के दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ऑल्टरनेट इतना ही है कि या तो सेवा करो और बच जाओ, या तो फिर जो मैं बताया स्पिरिचुअल जो रेमेडीज़, माँ रुद्राभिषेक, माँ काली या माँ दुर्गा का कवच और कवच पाठ और कवच का धारण, क्योंकि कवच का इतना जल्दी आदमी मतलब संभालना मुश्किल रहता है, माँ दुर्गा का कवच को संभालना उतना सहज नहीं होता है, बड़े मतलब इट इज़ ए चैलेंजेबल पार्ट। ओके, तो अगर संभाल सकती हूँ, आशा करता हूँ आप संभाल भी लोगे, आपकी कुंडली कह रहा है, तो आपका फिर ये जितने भी आपका जो दुख दर्द पीड़ा कष्ट अश्रु और ये सब परिवर्तन होकर आनंद अश्रु और शांति में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन योर लाइफ यू हैव ए ग्रेट मीनिंग, योर लाइफ हैव यू नो दिस इज द साइड इज स्पिरिचुअल साइड, नॉट सोशल साइड और नॉट यू नो समाज और धन, और ऐसे लोगों के अंदर बड़े आंतरिक संन्यास रहता है, ऐसे समझो कि गृहस्थ साधु संन्यासी सब ऐसे जिंदगी रहते हैं ना, संसार में तो हैं लेकिन पद्म पत्र विवाम बसा, पानी में रहते हैं लेकिन पानी से भिन्न रहते हैं, संसार में रहते हैं लेकिन आंतरिक लेवल में संसार से भिन्न रहते हैं, उनको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो दिस इज द पार्ट, बट द सेकंड पार्ट इज व्हाट यू नो, आपका आँख बड़ी कटीली नसीली आँख के घर में बैठे हैं दोनों, ठीक है ना, और मुँह में भी आके बैठे, तो मुँह का काम ये लोग ज़्यादा करते हैं, मुँह का एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा रहता है इस क्षेत्र में, तो ये है नेगेटिव पार्ट। बट ये ना वही होशो वाली है ना, संभोग से समाधि की ओर उस क्षेत्र में, इसलिए इसको जी लो, इसको जी के आगे बढ़ो, इसको इसका कमी नहीं होना चाहिए, इसका अभाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो आंतरिक एनर्जी, मैं बाहर का एनर्जी का बात एकदम नहीं कह रहा हूँ, आंतरिक एनर्जी का बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो शुक्र चंद्रमा तो जहाँ होगे तो सास के साथ प्रॉब्लम, शुक्र चंद्रमा जहाँ होगे तो भयंकर मन में इतना उथल पुथल कामना वासना की क्या संभाले, और फिर शनि के साथ शुक्र हो गया तो और ज़्यादा नीचे खींच के डाल देता है, फिर शुक्र राहु के साथ बैठा तो और ज़्यादा नीचे खींच के डाल देता है। तो ये प्रॉब्लम को अगर ओवरकम कर लो, आप जो कह रहे हो ना कि मुझे कोई यूटिलाइज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, जो राहु है निचला वाला मतलब निचले तबके के व्यक्ति विशेष, या जो धोखा फरी जहर बीस डाइवर्सन ये करता क्या है ना, जीवन के लक्ष्यों से डाइवर्ट कर देना। तो जिसके लिए जन्म हुए हो, कुंडली अगर बोल रहा है कि एक आध्यात्मिक प्रगति और विकास परम शांति परम आनंद के लिए बना है, तो आप संसार की तरफ खींच के आपको डाइवर्ट कर देगा, यानी जो वेग है, जो फोर्स है, जो समंदर का स्रोत है, आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ग्रह का स्रोत, ग्रह का फोर्स, ग्रह का जो वेग है, वो अगर आप बैलेंस करना सीख गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहे, और नहीं कर पाए तो समझो कि जन्म हुआ था एक के लिए और काम किया दूसरे के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ना देखो ऐसा है ना, हस्बैंड के लेके आपको चिंता नहीं करना है, आपको लेके चिंता करना है, ठीक है। आपका हस्बैंड तो केतु है, फेवरेबल है ना, केतु का दिमाग होता नहीं है उसका, एक बार दिल में आ गया तो आ गया है कि नहीं। तो हस्बैंड को लेके चिंता नहीं है, मैं आई एम वरीड अबाउट योर सेल्फ, आपका दुख, आपका तकलीफ, आपका पीड़ा, आपका कष्ट, आपके आपसे निकलना है। और ये बार बार प्रश्न मुझे कदाचित ना करें ऐसे कुंडली लेके कि और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो प्रॉब्लम तो है 100%, लेकिन आप क्योंकि इस रास्ते पे चल रहे हो, माता रानी को पकड़ के चल रहे हो, तो बड़े से बड़े बवंडर भी तिनके बन के भाग रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कभी कभार जैसे बोला ना, अब नेक्स्ट पल डेथ है और देखा कि आप जीवित हो, इतना बड़ा बम फूट के, इतना आग उग लग के उसके बाद भी आप खड़े हो, तो ऐसे कुंडली को बोलोगे क्या कोई आगे तो कोई चिंता का बात नहीं है। मैं इसका गारंटी इसलिए दे रहा हूँ, क्यों नहीं है इसलिए, क्योंकि माता रानी की उंगली पकड़े हो, और अगर पकड़े हो तो और जोर से पकड़ो, ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब ये कहो कि और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुंडली में ये गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, ग्रह तो बैठे हैं बेटा। अब सोचो साढ़े साती का जन्म, अब सोचो शनि मंगल का कंजक्शन, शनि मंगल माने समझते हो अंध जातक, हाँ, लेकिन आपका बढ़िया कंडीशन में यहाँ बैठा है इसलिए चल जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं
आदमी को इसका शांति तो करा लेना चाहिए, नहीं करा के अगर इस शरीर को संसार को छोड़ के चले गए बुढ़ापे में तो फिर तो रह गया पेंडिंग अगला जन्म में अगले जन्म के लिए। तो इस जन्म का प्रायश्चित करो, यही कह रहा हूँ। इस जन्म में बाकी जितना जिंदगी जन्म जितना जिंदगी बचा है शनि आ रहा है और 5 साल के बाद शनि इन करने वाला है, और शनि के टाइम जब आएगा तो आप मेरे को ये पूछोगे कि और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि तो अपना बाप को नहीं छोड़ा, मेरे को कहाँ से छोड़ देगा, ठीक है ना। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी है, जहाँ देखो जितना कचड़ा जातक उतना भयंकर अपॉर्चुनिटीज, जितना बुरा देखो कमल फूल कहाँ खिलते हैं, सांप पाली में खिलते हैं क्या, नहीं। हाँ उनको गंदली चाहिए तो हाँ, तो वो गंदली तो है लेकिन हर कुंडली में गंदली होता है, लेकिन उस गंदगी के अंदर कमल फूल खिलाना है। इसलिए ग्रह खराब नहीं, कुंडली खराब नहीं है, लेकिन ये पूछ के अगर मेरे से अगर ये शब्द लेना चाहते हो कि एकदम हम बेफिक्र जिए, नहीं ऐसा मैं नहीं कह सकता है। हाँ ये जरूर है, मैं देख रहा हूँ इतने बड़े हस्से से बाहर निकल रहे हो, इतना बड़ा थर्ड आइज रखे हो कि यहाँ बैठे बैठे गांव का कंडीशन पता चल रहा है, तो ये तो कृपा है माता रानी का ना। तो उस कृपा को मजबूत करना है, उस कृपा को और स्ट्रॉन्ग करना है, उस कृपा को एनकेस करना है, फिर तो आपके सामने सब है, जो चाहते हो वही, जो चाहोगे वो मिलेगा। उस समय वो आपको ऑटोमेटिक फील। आप ये प्रश्न क्यों कह रहे हो कि और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम का आभास हो रहा है आपको और इसी को मेरे मुंह से खुलवाना चाहते हो? मैं खुलना नहीं चाहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कंडली में तो प्रॉब्लम है लेकिन ये पार हो रहा है, पार हो रहा है तो माता रानी का प्रचंड आशीर्वाद है इसके अंदर, इसलिए तो मैं काली बोल दिया है कि नहीं। तो ओरिड नहीं होना, ओरिड होने का बात नहीं है, प्रॉब्लम रहेंगे और आएंगे भी लेकिन चले जाएंगे, और जब तक आप माता रानी के शरण में हो, उंगली पकड़ के चल रहे हो, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपको एक बाल बांका कर सके। और इसमें इतना कहूँगा, द्वादश का शनि चंद्रमा से जो 7.5 का है और लग्न में कंडीशन में, ऐसे कंडीशन को देखो, ये आँख बूंद के एक ही बात तो बोलते हैं कि क्या बोले भाई, ये तो एक का शनि दुख, अगर दुख है तो दुर्गति भी है, और दुर्गति है तो बचोगे कैसे, बोले दाने दुर्गति क्या है, जितना दान कर सकते हो, नहीं मुझे नहीं आपके आसपास जो भी हैं, पंडित हैं, गाय हैं, पेड़ हैं, पक्षियां हैं, कुत्ते हैं, है ना, जैसे आप गए पंडित को खिला के आए, कट गया दोस्त, बहुत बड़ा भारी दोस्त, बहुत बड़े बच गए, अगर नहीं खिलाए होते और देख के चुपचाप रह गए होते तो उसका दंड मिलता, ठीक है। नहीं आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आया कि किसी गांव में एक पंडित भूखे है, बीमार है, और आप उसका एक्शन दिए, आपके क्षमता के अनुसार आप उसका एक्शन रिएक्शन दिखाए, तो ग्रह कट गया। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ इंगित कर रहा हूँ, तो बी अलॉट फॉर दैट। देखो जो कर सकता है ना उसी के पास इन्फॉर्मेशन आता है, जो दुख झेल सकता है ना उसी को दुख मिलता है, जो नहीं झेल पाएगा वो कहाँ से उसको मिलेगा, तो भी तो रहेंगे। लग्न का शनि मतलब जन्म से दुख, और द्वितीय का शनि जन्म से सुख, तो जन्म का दुख है, दो बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यहाँ पर विषय बिंदु ये है कि इसको आप कैसे टैकल करते हो, गंदगी में कमल खिलाना चाहते हो या इस गंदगी की गंदगी को लेके जिंदगी भर रोना चाहते हो? और गंदगी कुंडली में गंदगी नहीं होता है, गंदगी कहता है कि कुछ विकृति में एक प्रकृति, एक विवर्तन में एक परिवर्तन, एक सृजन, तो आप एक महान कुछ सृजन करने वाली हो, तो उस सृजनता को समझना, और ये तभी संभव है ना जब आप शांत रहोगे, एकाग्र रहोगे, मस्त में रहोगे, विपासना करोगे, ध्यान करोगे, अपने को स्टेबल करोगे। और हमेशा याद रखना, चंद्रमा के साथ राहु और शनि बीच में फंसा हुआ है तो कभी आपको रहने नहीं देगा। अब आप मेरे को बार बार पूछ रहे हो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर प्रॉब्लम नहीं हो लेकिन अंदर तो बवंडर दिख रहे हैं ना, अंदर तो ढेर सारे बवंडर हैं, आप एक्सप्लेन ना कर सको, आपको दिखाई ना दे, आपको समझ में नहीं आए, लेकिन बवंडर है, इनको शांत करना बड़ा जरूरी है।
और इस जन्म में होते हुए इसको शांत करा लीजिए ताकि अगले जन्म में इस प्रकार का परिस्थिति और नहीं हो। और जिस माता रानी का उंगली पकड़े हो उसका जोर से पकड़ो, इतना ही बिंदु है।